अच्छा ये बताओ, कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, बताओ यार, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, फिर यूनिफॉर्म और क्या यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, गोल्डन फॉर्मूला। हाँ गोल्डन फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। रिवाइज करके आए हो ना, बोला था मैं लास्ट क्लास में, बोला था ना, अभी पता चल जाएगा रिवीजन का, तो अभी पता, डोंट वरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बेस पे कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड ग्राफ्स ग्राफ्स पढ़ेंगे और कुछ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करोगे हैंड रेस करके, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करो। द स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व गिव्स, बताओ ऐसे ही बताओ, चलो स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व क्या बताता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी सिमिलरली स्लोप ऑफ वी टी कर्व, स्लोप ऑफ वी टी कर्व एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, नॉट एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एरिया अंडर द वी टी कर्व, डिस्प्लेसमेंट अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स, अगर डिफरेंशिएशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या, वेलोसिटी। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन। अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर मैं एक्सिलरेशन के एक्सप्रेशन को इंट्रीगेट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स वेलोसिटी वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी को मैं इंट्रीगेट कर रहा हूं क्या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट आज इन चीजों का यूज भी होगा थोड़ा होगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी किए थे और आपको होमवर्क में भी इसके बेस पे क्वेश्चन दिए थे, किए थे सबने क्वेश्चन किए थे, डिस्प्लेसमेंट एग्जाम में लगे हुए हो, होमवर्क पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ऐसा है क्या, अरे बताओ नहीं किया यस किसी ने भी होमवर्क, नहीं किया शायद, नहीं किया किसी ने भी होमवर्क, सर, वो जो आपने डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस दिए थे उसमें किए हैं थोड़े। नहीं वो तो दिए ही थे, उसके अलावा भी मैंने आपको डीपीपी शीट दी हुई थी, दी थी कि नहीं दी थी, यस सर डीपीपी शीट दी थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो करनी थी आपको। दूसरी बात, आपको क्लास होमवर्क जो मैं लास्ट स्लाइड में देता हूँ, होमवर्क स्लाइड में, उसमें तीन चार या पांच क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी छह भी होते हैं, कभी कभी दो भी होते हैं, कभी तीन भी होते हैं, वो क्वेश्चन करते हो कि नहीं करते हो आप डेली डेली बेसिस पे। करते हैं सर। तो जो लास्ट क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो किए, किसी ने भी नहीं किए है ना, किसी ने भी नहीं किए ना, क्यों इमोजी भेजने से असाइनमेंट क्वेश्चन थोड़े ना हो जाएंगे, ऐसे ना करने से सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, नीट क्लियर हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही चलोगे, ऐसे ही चलेगा क्या, होमवर्क ना करना, डेली ऐसे ही हुआ करेगा क्या, होमवर्क नहीं करने का,
सर नो तो अभी अभी क्यों नहीं किया? मैंने अचानक पूछ लिया तो आज किया ही नहीं आपने किसी ने? बड़ा होमवर्क किया करो। देखो एग्जाम मुझे नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है, और एग्जाम देना है तो सिलेक्शन भी आप ही को लेना है। मुझे तो नीट का पेपर देख के डॉक्टर बनना नहीं है, तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी ना। यस इसलिए सर, क्वेश्चन क्वेश्चन किया करो, क्वेश्चन ध्यान से। ओके तो अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि हम पढ़े थे पहले, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं यूनिफॉर्म का? अब एटी ग्राफ, एटी मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, या फिर बोलूं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कैसे दिखाया जाता है? तो देखो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो किसकी क्या इसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी? यस सर, रेस्पॉन्स। अभी होमवर्क नहीं किया है, कोई बात नहीं, जब भी पेपर हो जाए आपके खत्म तब सारी चीजों को दोबारा से रिवाइज करके होमवर्क सारे क्वेश्चंस करिए, लेकिन अभी क्लास में रेस्पॉन्स तो करो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी चीजें रेस्पॉन्स तो करो क्लास में, ठीक है? तो क्या हमारी स्ट्रेट लाइन किस वजह से है? क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। एक बात बताओ, हम टी इक्वल टी वन टाइम पे हैं तब भी हमारा एक्सेलेशन ए है, टी टू टाइम पे हैं तब भी हमारा एक्सेलेशन ए है, इसका मतलब क्या है? हमारा एक्सेलेशन कांस्टेंट है। तो एटी कर्व का जो एरिया होता है वो क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है? चेंज इन चेंज टू वेलोसिटी। इन वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड देता है उसका, मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या फिर बोलते हैं हम चेंज इन स्पीड दे देता है। समझ में आ रही बात? एरिया। स्लोप इसका क्या देता है? स्लोप आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं आपको, कि मान लो कभी आपको एटी कर्व दे रखा है और ऐसे कोई ऐसे ग्राफ दे रखा है तो इसका स्लोप क्या बताएगा? कल मैंने बताया था स्लोप क्या बताता है एटी कर्व का? वेलोसिटी। नो नो बेटा, एटी कर्व का स्लोप, एटी कर्व का स्लोप क्या होगा? डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। ये क्या बताता है? जर्क। क्या बताता है? जन्म जर्क, जिसको आप बोलते हो झटका। ये कब फील होता है आपको? जब ब्रेक, जब भी आप बस में बैठे हुए हो अचानक से ब्रेक दबा दिया जाए बस का, तो आपको एक झटका लगता है ना आगे की तरफ, यस सर, तो वो क्या होता है? रेट यस ऑफ चेंज इन एक्सिलरेशन इज कॉल्ड जर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन इज कॉल्ड जर्क। जर्क समझ में आया क्या होता है? सर, आपको बस इतना जानना है कि जर्क क्या होता है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस में जर्क के बारे में पढ़ना है नहीं, इसीलिए आपको बस थोड़ा सा हिंट दिया जाए। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का एटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें? जब एटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है जर्क, और एटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड। यस, क्या आपकी वॉइस में दम नहीं आ रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर रिपीट कर दो एक बार। एटी कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। और एटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? जरूर जर्क देता है। अब देखो किसी भी ग्राफ को अगर कांस्टेंट दिखाना, मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका मतलब हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हमें बनाना है, इसका मतलब है टाइम भले ही पास होता रहे, टाइम 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या ग्राफ, वो लाइन ऐसी बनेगी हॉरिजॉन्टल टू द टी एक्सिस, पैरेलल टू द टी एक्सिस बनेगी ना, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसे होती तो देखो टी टाइम पे एक्सेलरेशन इतना है और ये कुछ और टाइम होता तो इस पे एक्सेलरेशन इतना होता, तो चेंज एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं हो सकता था,
इसलिए इसको नहीं बनाया। अब तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब हम देखेंगे कुछ ग्राफ्स को, कुछ ग्राफ्स देखेंगे जिसमें कि अलग अलग कंडीशंस को ग्राफ पे कैसे दिखाया जाता है। जैसे कि फॉर स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी का क्या मतलब है? रेस्ट। स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या है? रेस्ट पे है ना। अरे अगर मान लो रेस्ट पे है कोई बॉडी, आपसे 10 मीटर डिस्टेंस पे है, डिस्प्लेसमेंट पे मान लो रेस्ट पे रखी हुई है, क्या वो टाइम के साथ साथ आपसे सेम डिस्टेंस पे रहेगी? सर रहेगी ना, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है कि नहीं है? इसीलिए देखो डिस्प्लेसमेंट लाइन पे, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में, उसके टाइम के पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट लाइन पे वो आई, हॉरिजॉन्टल आई है। इसका स्लोप क्या है बताओ यार, इसका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है इसका? अरे स्लोप क्या होता है? वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। अब देखो यहाँ पर वर्टिकल क्या है? वर्टिकल आपका जीरो है कि नहीं है? अरे वर्टिकल जीरो है ना, इसके लिए हॉरिजॉन्टल क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल है कुछ भी वैल्यू, मान लो एक्स वैल्यू होती तो इसका क्या होता? जीरो होता ना स्लोप इसका, होता कि नहीं जीरो? यस सर। यस सर। तो जो हॉरिजॉन्टल है जीरो स्लोप है, जीरो स्लोप का मतलब क्या है? जीरो स्लोप है अगर तो क्या है? वेलोसिटी जीरो है कि नहीं है? यस सर। जीरो स्लोप मतलब वेलोसिटी जीरो। एक्स टी कर्व का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। जीरो स्लोप है मतलब वेलोसिटी जीरो है, वही तो वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब यही तो है कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। यस सर। सिमिलरली सेकंड पॉइंट देखो, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? देखो स्लोप क्या बताता था? स्लोप वेलोसिटी बताता है कि नहीं बताता है? और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या इसका स्लोप भी कांस्टेंट होगा? यस सर। हैं, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो आपका स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये क्या ये लाइन कांस्टेंट स्लोप को बता रही है? यस सर। सिमिलरली देखो, बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन। कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन का मतलब क्या? अगर देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप मैंने कटोरी देखी जिसमें सब्जी लेते हो खाने के लिए, अगर अगर ऐसे कटोरी टाइप कोई ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग स्लोप। और उल्टी कटोरी है अगर इस टाइप का कोई ग्राफ है, इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग। ये बहुत बहुत हेल्प करेगा आपकी, देख याद रखना इसको। कटोरी अगर उल्टी है मतलब डिक्रीजिंग स्लोप है, कटोरी अगर सीधी है इंक्रीजिंग स्लोप है। क्या ये देखो कटोरी का आधा पार्ट है ये, इस वाली कटोरी का है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप है कि नहीं? इंक्रीजिंग स्लोप। अब देखो इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब क्या है? बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी को टाइम के साथ साथ बढ़ा रही है, टाइम के साथ साथ बढ़ा रही है, इसका मतलब क्या है? देखो स्लोप क्या बताता है? एक्स टी कर्व का स्लोप वेलोसिटी बताता है। और वेलोसिटी क्या है? एक्सीलरेशन के कारण टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ बढ़ रही है ना सर। मतलब अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी? होगी कि नहीं? और इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी तो क्या हमारा इंक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए? सर वेलोसिटी को ही तो बताता है स्लोप, तो इंक्रीजिंग स्लोप क्या ये वाला जो कटोरी है उल्टी वाली, सीधी कटोरी जो दिख रही है आपको, क्या ये इंक्रीजिंग स्लोप है? यस सर। सिमिलरली अगर बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या है? ब्रेक लगा रहे हो, मतलब माइनस की एक्सेलरेशन बोलो, या फिर आप बोलो डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो क्या डिक्रीजिंग स्लोप होगा? यस सर। क्योंकि स्लोप ही तो बताता है वेलोसिटी, एक्स टी कर्व में डिक्रीजिंग स्लोप होगा, तो क्या ये जो कटोरी उल्टी रखी हुई है, क्या ये डिक्रीजिंग स्लोप को बता रही है? यस सर। यस सर।
समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एक दो लोगों की, दो तीन लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, 37 लोग हैं अभी। एक्सेलरेशन के लिए तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी? नहीं बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, हमेशा एक एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। Yes. होता है, अगर आप किसी बॉल को ऊपर से गिराते हो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कांस्टेंट लगता है, जी जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट लगता है, लेकिन क्या उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है? जैसे जैसे बॉल या पत्थर का टुकड़ा नीचे आता जाता है, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है? Yes. इसका मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी का स्लोप कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमेशा बढ़ रही है। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सटी कर्व में वेलोसिटी स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या उसका इंक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए? यस सर। यस सर। और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या उसका डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए? यस सर। सिमिलरली अगर आपकी वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग इनफाइनाइट वेलोसिटी, इनफाइनाइट वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई? आप बोल सकते हो कि हमारी लिमिट से बाहर है, और क्या इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, क्या उसका स्लोप भी इनफाइनाइट होना चाहिए? यस सर। तो देखो इसका अगर स्लोप निकालोगे ना, स्लोप क्या होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल होता है कि नहीं? यस सर। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल मान लो एक्स है, वर्टिकल तो है भाई, हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल को चला ही नहीं, जीरो है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल जीरो है ना, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या आ गया, इनफाइनाइट स्लोप आ गया। अगर आपकी वेलोसिटी इनफाइनाइट है तो क्या स्लोप एक्सटी कर्व का इनफाइनाइट होगा? क्लियर है सबको इतना? आगे बढ़े। ओके, सिमिलरली हम आते हैं वीटी कर्व पे। वीटी कर्व पे अगर आपको याद हो तो वीटी कर्व का जो स्लोप था वो क्या बताता था? या तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एरिया क्या बताता था, डिस्प्लेसमेंट बताता था कि नहीं बताता था? वो अगर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या आपका ग्राफ सीधा हॉरिजॉन्टल आएगा और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है कि नहीं है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन है कि नहीं है? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वीटी कर्व का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। इसका मतलब इसका स्लोप जीरो होना चाहिए। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है? अभी हमने निकाला था, देखो स्लोप जीरो निकाला था। यस सर। हां, तो इसका स्लोप जीरो हो गया तो हमारा सिंपल हो गया कि एक्सेलरेशन इसका जीरो। सिमिलरली अगर मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है बॉडी आपकी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आप देखोगे जीरो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो से स्टार्ट होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अगर आपका, क्या आपका स्लोप भी कांस्टेंट होगा फिर? यस सर। क्योंकि क्योंकि वीटी कर्व का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट स्लोप, स्लोप बोलेंगे। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या वीटी कर्व का स्लोप भी कांस्टेंट होगा? यस सर। बेटा आपको सारी चीजें यहां से समझ में आएंगी। स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मेरे ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होगा? यस सर। सिमिलरली देखो अगर yes. और बोला इसने क्या, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए ये पॉइंट जीरो से शुरू हुआ है। सिमिलरली देखो बाई बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट तो है लेकिन माइनस के है, माइनस के कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या मेरा स्लोप भी माइनस के होगा, माइनस के कॉन्स्टेंट स्लोप होगा? तो आप देखोगे ये लाइन उल्टी अगर है ना, ऐसे ऐसे अगर लाइन है, यानी कि इसका एंगल
मोर देन 90 है, इससे मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव स्लोप। बेटा इन चीजों को थोड़ा सा याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएंगे ना, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि इनका स्लोप कायदे से निकालो, क्योंकि उतना निकालोगे तो टाइम नहीं बचेगा, मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जामिनर देता ही ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें कि आपका ज्यादा टाइम खपत हो, और इस टाइप की अगर आपको पता होगा कि ये मान लो 90 डिग्री से ज्यादा है एंगल, तो हमारा नेगेटिव स्लोप होगा, और ये देखो 90 डिग्री से कम एंगल है तो आपका क्या है? पॉजिटिव स्लोप होगा। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो सिमिलरली अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब पहले इनिशियली रेस्ट पे था, या फिर ये मान लो कि हमारे पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, इनिशियली हमारा रेस्ट पे था ओरिजिन पे, और रिटार्डेशन मतलब इस साइड में एक्सीलरेशन लग रहा है, तो क्या मेरी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी? सिमिलरली अ मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब? वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या डिफरेंस था सी और डी में? बेटा सी और डी में डिफरेंस ये था कि इसमें क्या था, इनिशियली पॉजिटिव वेलोसिटी थी। देखो जैसे सी में क्या था, सी के लिए बताता हूं मैं, सी में क्या था, जैसे मान लो ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये आपकी पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है, ठीक है। सी वाले में ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा था, एक्सेलरेशन इसमें लग रहा था, वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, मतलब आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन लग रहा था। और डी में क्या है, ऑब्जेक्ट आपका इस जगह पे है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पे? ओरिजिन पे है। इसने बोला है, देखो आप देखोगे जरा कि ऑब्जेक्ट जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहां पे है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन पे है और एक्सेलरेशन आपका फिर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो क्या माइनस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी सीधी सीधी होगी कि नहीं? यस सर। ये डिफरेंस है, समझ में आया आपको? यस सर। अब यहां पर देखो मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बताता था? जर्क बताता था कि नहीं बताता था? स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन बताता था, स्लोप ऑफ वीटी कर्व का ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है जर्क। तो मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, आप देखो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो क्या एटी कर्व का स्लोप क्या बताता है? सॉरी वीटी कर्व का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है कि नहीं बताता है? Yes. तो अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो क्या इंक्रीजिंग स्लोप होगा? Yes, sir. अगर इंक्रीजिंग स्लोप होगा तो क्या ये कटोरा कौन सा वाला है? कौन सी कटोरी है ये? सीधी कटोरी है ना, तो क्या ये इंक्रीजिंग स्लोप है? सिमिलरली मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं बोलूंगा कि मेरा डिक्रीजिंग स्लोप होगा? यस सर। यस सर। अगर डिक्रीजिंग स्लोप होगा तो देखो क्या ये इस कटोरी का हिस्सा है, उल्टी कटोरी का हिस्सा है कि नहीं है, तो क्या मैं बोलूंगा डिक्रीजिंग स्लोप है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े? Yes, sir. Okay. अब आते हैं एटी कर्व पर। एटी कर्व मतलब एटी कर्व बोल रहा है को। When object is moving with constant acceleration, सबसे पहले स्लाइड हम किए थे, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? आपका एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है,
क्या इसका एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्या? इसका मतलब स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? जीरो। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का स्लोप क्या बताता है? जर्क बताता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का स्लोप जीरो जर्क बताता है, और जर्क इसमें है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अरे स्लोप हमने निकाला था ना, देखो यहाँ पर स्लोप निकाला था जीरो, निकाला था कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है कि नहीं होता है? वर्टिकल लाइन का क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का जीरो, और कटोरी अगर सीधी है तो इंक्रीजिंग स्लोप, कटोरी अगर उल्टी है तो डिक्रीजिंग स्लोप। ये ट्रिक्स हैं बेटा, ग्राफ्स की ट्रिक हैं। क्योंकि क्वेश्चन आके आंसर निकालने के लिए आपको एग्जाम में एक मिनट मिलेगा, अगर उसमें स्लोप वगैरह इसके चक्कर में फंस गए ना तो क्वेश्चन 4-5 मिनट खींच जाए, और 4-5 मिनट खींच के मतलब आपके 5 क्वेश्चन वेस्ट हो गए, 5 क्वेश्चन को करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें ये फोकस करना है कि जल्दी से जल्दी ग्राफ को देख के ट्रैक कर पाना। अब आप कटोरी अगर दिमाग में याद होगी ना तो आपको सिर्फ ग्राफ देखोगे, चाहे एक्सटी ग्राफ हो, चाहे वीटी ग्राफ हो, चाहे एटी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, आपको कटोरी दिख गई, सीधी कटोरी मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ, उल्टी कटोरी मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जीरो स्लोप, वर्टिकल लाइन मतलब इनफाइनाइट स्लोप। क्लियर है ना इतना? अब सिमिलरली व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली, एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, तो क्या मेरा इंक्रीजिंग स्लोप होगा? यस सर। यस सर। क्या ये मेरा इंक्रीजिंग स्लोप है? यस सर। सॉरी, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? क्या कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है? क्या वो जर्क बताएगा कि नहीं? लेकिन इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर, अगर कांस्टेंट होता तो हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है तो क्या मेरा स्लोप कांस्टेंट होगा? यस सर। यस सर। ये क्या है आपका? कांस्टेंट स्लोप है। सिमिलरली ये क्या है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है तो क्या इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा? और अभी मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे कुछ और इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, उस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आज की क्लास को रिवाइज करके आओगे तब जाके हमारे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है? रिवर्स करके आना है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ये इक्वेशन आपको 11th 12th दोनों साल काम आने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको सिंपली डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इक्वेशन को ही देखेंगे बस। मान लो कि आपकी इक्वेशन है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम चलने के बाद में, मान लो t टाइम लगा उसको चलने में, t टाइम के बाद में यहां से चल के यहां तक पहुंच गया, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मान लो s डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, v। हम यही नोमेनक्लेचर यूज करेंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u होगी एट टाइम t इक्वल टू जीरो। इनिशियल का मतलब क्या है? इनिशियल का मतलब टाइम t इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, होगा ना? यस सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, फाइनल वेलोसिटी v है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, या फिर बोलूं चेंज इन पोजीशन, या फिर बोलूं चेंज इन पोजीशन, या फिर बोल दे वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दे दे, अगर x के टर्म में दे दे तो हम s को क्या लिख देंगे, s को क्या लिख सकते हैं, s को लिख सकते हैं s इक्वल टू
एक्स एफ माइनस के एक्स आई, ये भी लिख सकते हैं हम एस एफ को एक्स एफ माइनस के एस आई, एक्स आई भी लिख सकते हैं। हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिवाइड किया गया, एक तो होते हैं हमारे मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जिसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो उसमें सिंपल स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाता है। इससे आप काफी लोग फेमिलियर होंगे इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला सबको आता होगा ना स्पीड टाइम डिस्टेंस का, याद नहीं एसटीडी तो याद है, एस टी इक्वल टू डी, ये याद रखो बस एस टी इक्वल टू डी। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, सत्येंद्र तोमर मेरा नाम है, सत्येंद्र तोमर इक्वल टू डिस्टेंस, ऐसे अपने नाम से, अपने पापा के नाम से, किसी के भी नाम से बात बन जाए ऐसे याद रख लो। एसटीडी तो याद है, एसटीडी तो सबने सुना है, एसटीडी करके याद है, स्पीड स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ऐसे याद कर लो। और इक्वेशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। उस पर तीन इक्वेशन है, इनको चार में लिख दिया है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। और एक होती है मोशन विद चेंजिंग एक्सेलरेशन, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस, आपके क्या है आउट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस में है, आपको ये अभी नहीं पढ़ना, पढ़ोगे आप अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट, आप जाए हुए क्यों, आप तो डॉक्टर बनने वाले हो ना, तो आप नहीं पढ़ोगे इनको, ठीक है? Yes, sir. अब देखो इक्वेशंस को कैसे, एक्चुअली में कैसे इक्वेशन डिफाइन की गई थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन होती है ओरिजिनल फॉर्म में बता रहा हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के टू ए एस, माइनस नहीं है प्लस होती है, यहाँ पे प्लस होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होती है, ठीक है? अब आपको थोड़ा बहुत कन्वर्जन कैसे होगा, देखो इसमें क्या किया v स्क्वायर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, s इक्वल टू हाफ यू प्लस v इनटू t, थोड़ा सा टर्म में चेंज कर दिया, अपने अपनी जरूरत के हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज करते हैं। और देखो s को क्या कर सकते हैं, s को ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में s को लिख दिया है एक्स आई माइनस के एक्स एफ, और एक्स आई को उधर भेज दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स आई प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी, समझ में आई इक्वेशन? अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो किसी को कोई डाउट हो, इक्वेशन लिखनी हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, ले लो, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे क्या था, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी u, u किस टाइम पे है, जब t टाइम इक्वल टू जीरो, इनिशियली टाइम हमने जीरो माना, उसका एक्सेलरेशन है a, तो हमने कुछ टाइम बाद, कुछ t टाइम के बाद में हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी v हो गई, उसकी वेलोसिटी v हो गई, और वो डिस्टेंस कितनी चला, s डिस्टेंस चला, s डिस्प्लेसमेंट, सॉरी s डिस्प्लेसमेंट किया यहां से यहां तक जाने में। अब इसके बीच में हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि मान लो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, तो आपको v और s पूछ लिया, कभी s और v t दे दिया, u और a पूछ लिया, या चार चीज दे दी आपको, एक चीज पूछ ली, तो इन पांचों पैरामीटर को यूज करके इक्वेशन बनाई गई, जिनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज आने वाली है 11th, 12th और बाद में बहुत बहुत जगहों पर यूज करेंगे। अभी हम इसके बाद में एक तो शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है जैसे आप छत से कोई कंकड़ गिरा रहे हो, कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरा रहे हो, उसमें क्या फीलिंग आएगी, कैसे गिरेगा वो, क्यों गिरेगा, किस वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, फाइनल क्या लेंगे, गुब्बारा उड़ा, बहुत सारे क्वेश्चन अभी इसमें करेंगे हम इस चैप्टर में। तो ये इक्वेशन सब में यूज आने वाली है, बस टर्म एक ही जगह पे जी हो जाएगा, वहां पे बस एक ही जगह जी हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्लियर है सबको? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को करो जरा।
करो इस क्वेश्चन को। हैंड रेज करोगे सब लोग? हैंड रेज ओनली, ओनली हैंड रेज, आंसर नहीं करेगा कोई। कुछ बच्चों को आवाज में प्रॉब्लम हो रही थी सुनने में, तो आप ऐसे मैसेज में मत बोला करो, आप माइक ऑन करके बोला करो, क्योंकि मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं देती, मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर होती है, और जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखती है, मेरे कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर वही स्क्रीन दिखती है, बस आपके मैसेज वगैरह के लिए मुझे लौट के आना पड़ता है, फिर से विंडो चेंज करनी पड़ती है, इसलिए जो भी इशू आ करे आप डायरेक्टली बताया करो, क्या मतलब माइक ऑन करके। दो बच्चों का आंसर आ चुका है, तो वी वेट फॉर 40 सेकेंड ओनली, 40 सेकेंड ओनली। तीन लोगों का आंसर आ चुका है। ओके अपूर्वा आंसर बताओ। सो 120 मीटर पर सेकेंड रूट। ओके ऑप्शन ए, मतलब हिवांशी, हिवांशी पुनीत संतोष सर ए अंबिका अंडर रूट 120 मीटर पर सेकेंड। साक्षी, साक्षी पीयूष। सर ऑप्शन ए। ओके ज्यादातर बच्चों का आई थिंक ऑप्शन ए ही आएगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन ही ए है। ओके देखते हैं जरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हमें फिजिक्स में लिखना है गिवन डाटा, हमेशा हमेशा याद रहे, इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में, फिजिक्स के क्वेश्चन करने में इसीलिए प्रॉब्लम आती है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। अभी आपको इनिशियली प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको नीट का पेपर देने के लिए 11th है, अभी 12th भी है, तो प्रैक्टिस करते 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 उस टाइम पे जब आप नीट का पेपर देने पहुंचोगे ना, तो कोई भी गिविन डाटा वगैरह लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन देख के सीधा अटैक करोगे फॉर्मूले से। लेकिन तब तक प्रैक्टिस के लिए आने के लिए कुछ करना पड़ेगा पहले। तो देखो हमें दे रखा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब यू कितना दे रखा है, यू कितना दे रखा है, जीरो 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 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद एक्सिलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, यानी कि एस कितना दे रखा है 15 मीटर। मीटर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, देखो हम हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है कितनी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमें गिविन है। देखो एक तो t तो गिविन नहीं है, तो हम इसको भी यूज नहीं कर सकते, इसको भी यूज नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्योंकि टी सर नहीं गिवन है ना, हमें चाहिए वेलोसिटी, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो दी हुई है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दी हुई है, हालांकि हम यहाँ से टी निकाल सकते हैं, पर टी हमें चाहिए ही नहीं, टी निकाल के क्या करेंगे, ऐसा कुछ देखो कि डायरेक्ट हमारा वेलोसिटी आ जाए। तो हमें ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें एक्सेलरेशन भी दिया है, डिस्टेंस भी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, और हमारा क्या दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, तीनों चीजें दी रखी, एक पूछी है, तो हम कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे।
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर हमें निकालना है, यू स्क्वायर कितना दे रखा है जीरो प्लस टू इंटू ए कितना है ए फोर है, एस कितना है एस कितना है फिफ्टीन है, तो कितने को जरा वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 120, तो v आएगा अंडर रूट में 120 मीटर पर सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन, वो भी काफी कम लोगों से आया। क्लियर है सबको? यस यस सर। तो करो जरा इस क्वेश्चन को करो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा एकदम हलवा है। एंड डाउन कर देता हूं मैं सबकी, उसके बाद देखते हैं किस किस का आंसर आता है। ये क्वेश्चन तो कम से कम आधे से ज्यादा लोगों को आना चाहिए, 37 है ना, कम से कम 20 लोगों का आंसर आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, इस वाले का। ध्यान रहे कल की क्लास में बिना रिवाइज किए हुए मत आ जाना, रिवाइज करके आना है कल की क्लास में, फिर देखिए क्या मजा आता है कल की क्लास में, मजा आ जाएगा एकदम क्वेश्चन कर देना है। कल की मतलब इन द सेंस परसों की, कल तो आपकी क्लास होगी नहीं ना, परसों होगी, आज मंडे है, ट्यूजडे वेडनेसडे को होगी आपकी क्लास, वेडनेसडे को देखेंगे। चार लोगों का आंसर आया है अभी, आठ लोगों का आ चुका है आंसर। टाइम बहुत ज्यादा लेते हो बच्चों लोग, आप लोग टाइम बहुत ज्यादा लेते हो क्वेश्चन करने, स्पीड बढ़ाओ स्पीड। ये क्वेश्चन एक मिनट से ज्यादा का है नहीं, बट आप इसके लिए दो तीन मिनट ले रहे हो। 11 लोगों का आंसर आया, 12 लोगों का आंसर आया है अभी। और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हम। शशि ऑप्शन कौन सा? सी। ओके आकृति सर ऑप्शन टू। अंबिका सर ऑप्शन नंबर डी। अंशिका सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ओके। अपूर्वा सर ऑप्शन डी। पुनीत सर ऑप्शन डी। बॉक्सर जतिन कौन है भाई? बॉक्सर जतिन सर ऑप्शन डी। रिवांशी सर ऑप्शन डी। काजल सर ऑप्शन डी। ओके चलो अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो सबसे पहले वही पुराना मेथड, गिविन डाटा लिखते हैं पहले, क्या क्या गिविन है हमें। देखो जिनका सही है वो लोग मजे में, बहुत अच्छे, जिनका सही है वेल एंड गुड, जिनका गलत भी है ना वो लोग अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं कि गलती अगर हो गई तो अगले क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं, ये नहीं करना है हमें, गलती सुधारना है क्योंकि हमें नीट में सिलेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐवे ही गलती होगी अब हमसे नहीं, अब हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखो इसमें क्या दे रखा, अ बॉडी इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये u है कि नहीं है 4 मीटर पर सेकंड। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड, यानी कि उसने फाइनल वेलोसिटी दे रखी है v 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दे रखा है 4 सेकंड। पूछा क्या है उसने, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी पूछा। अब देखो तीनों इक्वेशन लिख लो पहले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ यू टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब हमें पूछा क्या है इसने, एक्सिलरेशन। देखो थर्ड वाली को देखो, वी हमें दिया है, यू दिया है, ए नहीं दिया है और एस भी नहीं दिया है। और हमें इनमें से ए पूछा था लेकिन ए नहीं दिया है, एस लेकिन एक्स्ट्रा आ गया, तो दो वेरिएबल आ जाएंगे हमें, तो समझ तो हमसे इक्वेशन सॉल्व करने प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली इसमें भी एस आ रहा है और ए आ रहा है, इसको भी नहीं यूज करेंगे, क्या हमें इससे कुछ काम बन सकता है? यहाँ पर देखो यू दिया है हमें, बी दिया है हमें और टी दिया है हमें, ए चाहिए, बन गया काम, इसी इक्वेशन को यूज कर लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमें दे रखा है 20, u दे रखा है कितना 4, प्लस a हमें पूछा है, t दे रखा है 4, तो 4a इक्वल टू कितना आ गया 20 माइनस के 4, तो a इक्वल टू क्या आएगा 16 बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो a कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन d इसका। कुछ लोगों का ऑप्शन बी आया था, कुछ का ए भी आया था, उन लोगों को समझ में आया उनकी क्या मिस्टेक थी? समझ में आया? चलो ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन और कर लो बस, उसके बाद भाग जाना। अ पार्टिकल मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज ऑब्जर्व टू बी 30 मीटर पर सेकंड। कुछ टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट मिड ऑफ इट्स सबसिक्वेंट पाथ। यानी कि जब मान लो कोई पार्टिकल था, कोई इनिशियली एट इक्वल टू जीरो टाइम पे मूव करना स्टार्ट किया, जब उसकी वेलोसिटी यू कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कुछ टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा अभी। तो उसने पूछा है कि इनके बीच में कहीं बीच में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसने वेलोसिटी बीच में पूछी है, क्या वेलोसिटी होगी और उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जरा करो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। मैंने बता दिया है, एक और हिंट दे देता हूं कि टोटल डिस्टेंस को आप मान लो कितना 2x, टोटल डिस्टेंस को कितना मान लो, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस उसने चली 2x, तो क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस x हो जाएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x हो जाएगी, होगी कि नहीं? यस सर। अब सॉल्व करो इसको, यहां से x डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लग रहा है, फॉर्मूला लगाओ। सिमिलरली यहां से यहां से यहां से यहां तक चलने में कितना, इसके लिए इक्वेशन लगाओ और दोनों से कुछ सॉल्व करके भी v निकालने की कोशिश करो, करो ट्राई। हैंड रेस करना है ओनली, सबके हैंड डाउन कर देता हूं पहले, अब हैंड रेस करना जिसका भी आंसर आ जाए।
तीन बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ पुनीत बताओ आंसर। पुनीत सर 5 मीटर पर सेकंड। क्या 5 मीटर पर सेकंड? ओके नहीं पुनीत एक बात बताओ कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हुई है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बीच में कहीं 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो सके प्रैक्टिकली? नो सर। मतलब थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली भी सोच, हमें देखो हम ये अगर हमसे कभी गलती होती है ना, अगर हम प्रैक्टिकली सोच लेते हैं तो गलती पकड़ी जाती है, अपनी गलती, और अपनी गलती पकड़ना बहुत अच्छी बात है। किशोर सर 1005। ओके काजल सर 1005। अपूर्वा 20 मीटर पर सेकंड। वरुण 20 मीटर पर सेकंड। किशोर काजल अपूर्वा तीनों के लिए तालियां बजाओ, वेल डन किशोर काजल एंड अपूर्वा, वेल डन, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे तीनों के आंसर सही है। ओके अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो पहले हम लेते हैं कि यहां से फर्स्ट वाले सेगमेंट के लिए, इसके लिए इस सेगमेंट के लिए हम माने कि फॉर फर्स्ट सेगमेंट क्या ये यू एज यू काम करेगी, करेगी ना, और यहां की वेलोसिटी मान लू वी, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा दूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताओ यार, जिन्होंने किया है वो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, कौन सी इक्वेशन लगाई, स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो वी स्क्वायर, वी की जगह वी रखो, यू देखो कितना है 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर प्लस 2a, a x की s की जगह पे क्या है आपका x है 2ax, तो क्या मैं यहां से 2ax की वैल्यू निकाल लो, 2ax इक्वल टू क्या वी स्क्वायर माइनस के 10 होगा, होगा कि नहीं, इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकंड सेगमेंट, क्या सेकंड के लिए ये जो v वेलोसिटी है वो u का काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा जब स्टार्ट होगा उसके लिए ये v वेलोसिटी u का काम करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। और ये 30 किसका काम करेगी, v का काम करेगी, तो यहां पे हम क्या करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो देखो v क्या है हमारा 30 है, 30 का स्क्वायर इक्वल टू u क्या है हमारा स्मॉल v है, स्मॉल v है प्लस 2ax, तो यहां से भी 2ax की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी हमारी 30 का स्क्वायर माइनस ये v स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर आएगी कि नहीं? Yes, sir. तो इसको इसको लिख दो इक्वेशन 2। अब सिमिलरली इक्वेशन 1, और देखो 2ax इक्वल टू 2x है कि नहीं है, तो इक्वेट इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर दो, तो क्या होगा v स्क्वायर माइनस के 10 इक्वल टू 30 का स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर, तो देखो v स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या हो गया 2v स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर माइनस ये 10, 10 का भी स्क्वायर होगा ना, ये 10 का भी स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर कितना होगा इसको सॉल्व ही कर लो, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 होगा ना, यस सर 900 माइनस के कितना होगा 100 800 अब यहां से क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा 800 2v स्क्वायर इक्वल टू 800 कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही कैलकुलेशन में नो सर नो सर अब यहां से अच्छा एक बात बताओ 900 यहां से इस अच्छा इसको इसको 10 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, इस माइनस के 10 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं, और इस v को इधर लाएंगे तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। जिन लोगों ने किया उसका आंसर आ कैसे गया आप लोगों का 1000 v स्क्वायर इक्वल टू क्या 500 आएगा यस सर v क्या आ जाएगा मेरा क्या 500 को 5 into 100 लिख सकता हूं मैं
तो वी क्या आ जाएगा, 100 का रूट 10 और इसका 5, 10 रूट 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है सबको कैसे आया ये? यस सर। यस सर। ओके, टाइम भी ओवर हो गया आपका। अच्छा बता दो मुझे क्या क्या पढ़ाया आज हमने फास्ट फॉरवर्ड में। सबसे पहले क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरे क्या पढ़े? ग्राफ्स पढ़े। ग्राफ्स क्या पढ़े? एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, यही पढ़े। उसके बाद क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन उसके बाद हमने क्या किया? क्वेश्चन के सॉल्व। क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। क्लियर है सब कुछ? यस सर। और जो नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे, याद रहे नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आएंगे, ठीक है सर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा सर, रिपीट करा दो अभी। यस सर। सर काम करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिपीट करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नहीं अभी करवाना हो तो बताओ, फिर अभी करवा देंगे सर। नेक्स्ट क्लास में कराना भी, आपका टाइम भी हो गया। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके वेलकम बेटे। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। थैंक यू।